क्या आप इनकम टैक्स देते हैं? और अगर आप देते हैं तो क्या आपकी मासिक आय 50,000 से 1,00,000 के आसपास है? अगर ऐसा है तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक साल के लिए कम से कम मोदी सरकार आपको पूरे इनकम टैक्स में छूट दे सकती है, देना चाहिए उनको, दे सकती है तो पता चलेगा हमको बजट में, लेकिन उनको देना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक साल के लिए आपको पूरी की पूरी आपकी जो आयकर है उस पर छूट दे दे तो देश के लिए भला होगा, आपके लिए सिर्फ नहीं पूरे इकोनॉमी का भला होगा। और मोदी सरकार का जो आय है उसमें बहुत ही कम इंपैक्ट होगा। इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में, देखते रहिए। आप सुनते होंगे, बहुत लोग कहते हैं, आप भी कहते होंगे कि सिर्फ 3% लोग हमारे देश में इनकम टैक्स देते हैं और हमारे पैसे से सरकार का पूरा खर्चा चलता है और इस खर्चे को हमारे लिए सरकार को करना चाहिए, जो भी हम पैसा देते हैं सिर्फ हमारे ऊपर होना चाहिए, बाकियों के ऊपर क्यों? ये भी सवाल उठाया गया था जब किसानों का प्रदर्शन हुआ था और किसानों ने कहीं कहीं पे बैरिकेड तोड़ दिया तो कहीं पे बस को धकेल दिया जिसको पुलिस ने लगाया हुआ था, तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया था कि हमारे इनकम टैक्स का पैसा ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, इनको सबक सिखाओ, ये लोग कुछ टैक्स नहीं देते। खैर, सबसे पहले इनकम टैक्स कितना होता है उसको जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि सरकार की जो खर्च है हर साल बजट में, अभी आने वाला है, जितना सरकार खर्च करती है उसके तीन स्रोत हैं। खर्च कहां कहां से पैसे आते हैं, सबसे पहला है अलग अलग किस्म के टैक्स, उसमें इनकम टैक्स आता है जो कंपनियां देती है, कॉरपोरेट टैक्स आता है, साथ में आता है आप जानते हैं जीएसटी है, पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगता है, या ये सारा जो है मिलकर इसको कहा जाता है टैक्स रेवेन्यू, यानी कि कर से, टैक्स से कितना सरकार का राजस्व है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, डिटेल में बाद में जाऊंगा, कि कुल सरकार का जितना खर्चा है उसका सिर्फ 56% ये टैक्स से आता है, अलग अलग किस्म के टैक्स, सिर्फ इनकम टैक्स नहीं, सारे टैक्सों से सिर्फ 56% बनता है, यानी आधे से थोड़ा ज्यादा। उसके बाद आता है जिसको कहा जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि गैर शुल्कीय राजस्व। अब इसमें क्या क्या आता है, सबसे बड़ा होता है कि सरकार लोन देती है, राज्यों को लोन देती है, वो लोग लोन का जो लोन पर जो इंटरेस्ट है यानी ब्याज है हर साल उनको देना पड़ता है, वो एक सरकार का आय है। साथ में एक बड़ा आय सरकार का जो है वो है डिसइन्वेस्टमेंट करती है सरकार, यानी सरकारी कंपनियों को या सरकारी जो संपत्ति है उसको बेचकर पैसा उठाती है सरकार, आप जानते हैं हर साल ये होता है। अब आप देखिए कि साथ में एक और चीज होता है, वो है कि जो सरकारी कंपनियां जिसको हम पब्लिक सेक्टर यूनिट कहते हैं उनसे सरकार को बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है, क्यों? क्योंकि हर एक कंपनी उनके जो शेयर होल्डर हैं साल के अंत में जितना मुनाफा हुआ है उसका एक भाग उनको डिविडेंड के तौर पे देते हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी ट्रांसफर करते हैं, डिपेंड करता है किस तरीके से इसको अरेंज किया गया है। ये जो डिविडेंड है ये भी एक बड़ा अच्छा खासा सोर्स है इनकम का सरकार के लिए। और साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी जितना मुनाफा होता है वो लगभग ज़्यादातर सरकार के खाते में चला जाता है, कुछ पैसा रहता है और बाकी सरकार के पास जाता है जो भी डिविडेंड है। अब ये सारा अगर मिलाया जाए तो भी सरकारी खर्चे का 75% भी नहीं होता है। अगर मैं 5 साल का औसत ले लूं तो लगभग 73% यानी 73% सारे राजस्व जितने भी है, चाहे वो टैक्स हो या चाहे वो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आया हो, डिविडेंड से पैसा आया हो, सब कुछ मिलाकर 100 रुपये जो अगर सरकार खर्च कर रही हो तो 73 रुपये भी बनते। अब 27 रुपये कहाँ से आ रहे हैं? 27 रुपये आ रहे हैं सरकारी लोन से, सरकार लोन लेती है 27 रुपये का हमसे लेती है या नोट छाप कर उसका पैसा डालती है और इसको कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। आपने बहुत बार सुना होगा इसके बारे में, फिस्कल डेफिसिट, जिसको राजकोषीय घाटा भी कहा जाता है, यानी कि लोन से इसको भरा जाता है पूरे खर्चे का 27%। अब मैं वापस आता हूं आपके पास कि इनकम टैक्स यानी कि जिसको हम आयकर कहते हैं, इससे सरकार का कितना बनता है। मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं,
केंद्र सरकार में हाथ के हाथ में इनकम टैक्स का जितना बनता है वो कुल खर्चे का सिर्फ 13% है। अगर 100 रुपए सरकार खर्च कर रही है तो मैं 5 साल का औसत बता रहा हूं, सिर्फ 13 रुपए आते हैं आयकर से यानी कि इनकम टैक्स से। और हम जब कहते हैं ना कि सारा पैसा सरकार हमारे जेब से जा रहा है, ये सही बात नहीं है। सिर्फ 13 रुपए इनकम टैक्स से जा रहा है, क्योंकि जो आप जीएसटी भरते हैं या डीजल पेट्रोल पे पैसा भरते हैं वो सभी लोग भरते हैं, जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं वो भी भरते हैं। खैर, अगर मैं पिछले साल का देखूं कि 2020-21 का जो बजट है, जो पिछले साल अनाउंस किया गया था, उसमें एक अनुमान लगाया गया था कि सरकार के पास जो आएगा कुल खर्चे का 14% आयकर से आएगा। अब इस साल वो होने वाला नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत लोगों की नौकरी गई है, आय कम हो गई है, मिडिल क्लास जो इनकम टैक्स देते हैं उनकी आय भी कम हो गई है, तो इनकम टैक्स घटने वाला है। फिर भी 14% भी मैं अगर देखूं तो हर 7 रुपए जो सरकार खर्च करती है इनकम टैक्स से सिर्फ 1 रुपए उसका भरा जाता है। 7 रुपए में से सिर्फ 1 रुपए। मैंने आपको कहा था कि सरकार के पास डिविडेंड, जैसे जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं उससे डिविडेंड, आरबीआई से डिविडेंड, ये और डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि सरकारी कंपनी का शेयर बेच के या संपत्ति बेच के कुल जो पैसा आता है उससे कितना खर्च होता है, 12%। सरकार के कुल खर्चे का 12% वहीं से आया था। पिछले साल का अगर हम पकड़ के देखें तो 12% का एस्टिमेट वहां से है। तो 14%, जैसे मैंने कहा पिछले साल का एस्टिमेट था इनकम टैक्स से, 12% ऐसे चीजों से जो सरकार के पास ऑलरेडी है, यानी जितना सरकार इनकम टैक्स से लेती है लगभग उतना ही डिसइन्वेस्टमेंट और डिविडेंड से सरकार को मिलता है। तो इतना ज्यादा इनकम टैक्स का भार नहीं है। ये तो खैर आप ले लीजिए इनकम टैक्स का। अब आप कहेंगे कि इनकम टैक्स अगर 14% भी इनकम टैक्स का आ रहा है, 14 रुपए अगर सरकार खो दे तो 14 रुपए लाएगा कहां से सरकार। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे जितने लोग इनकम टैक्स देते हैं, चाहे वो सबसे अमीर आदमी हो, बड़ा सेठ हो, या जिसका सिर्फ 50,000 के आसपास का सैलरी है, 2 बच्चे हैं घर में और घर चलाना पड़ता है, दोनों सेम है, सबको इनकम टैक्स की छूट मिलनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन इसको भी हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि आयकर विभाग ने 2017-18 का हमारे पास काफ़ी सारा डिटेल दिया हुआ है इनकम टैक्स का, कि किस लेवल के लोग कितना इनकम टैक्स भरते हैं। अब 2017-18 में हमारे देश में लगभग 5,63,00,000 के आसपास इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोग थे, 5,63,00,000 के आसपास। और उनमें से ऐसे लोग जिन्होंने जीरो टैक्स दिया था, जीरो टैक्स, लगभग 2,30,00,000 है। 2,30,00,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक पैसा भी टैक्स नहीं दिया। अब कितने बाकी रह गए, लगभग 3,35,00,000 लोगों ने, इसमें लोग हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने टैक्स भरा था 2017-18 में, कुछ ना कुछ टैक्स इनकम टैक्स दिया था। इनमें से लगभग 3,00,00,000 ऐसे हैं जिनका इनकम टैक्स 1,50,000 से कम है, यानी 1 रुपए से 1,50,000 साल में, ऐसे 3,00,00,000 लोग थे 2017-18 में, यानी कि लगभग 90%, लगभग 90% लोग ऐसे हैं जिनका कुल टैक्स 1,50,000 रुपए से कम था। और अगर मैं देखूं इसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था 2017-18 में, टोटल कंट्रीब्यूशन था लगभग 67,000 करोड़ रुपए, 67,000 करोड़ रुपए 2017-18 में इन्होंने दिया था। और वो अगर मैं देखूं कुल जो राजस्व है सरकार का 2017-18 में, जो राजस्व था उसका 3% बनता है और कुल खर्चे का वो सिर्फ 2% बनता है। उस साल अगर ये 67,000 करोड़ सरकार ने लोन लेकर फिस्कल डेफिसिट बढ़ा दिया होता तो फिस्कल डेफिसिट 3.5% से बढ़कर 3.8% पे जाता जीडीपी का, यानी कुल हमारा जो देश की आय है उसका 3.8% पे जाना, यानी कि सिर्फ 0.3%, 1% का भी 1/3 ज्यादा उनको लोन लेना पड़ता जीडीपी का। हाँ, सरकारी जो लोग हैं या जो दरबारी अर्थशास्त्री है, मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट जिसको हम कहते हैं, वो सब कहते हैं कि नहीं नहीं ये सब नहीं करना चाहिए, राजकोषीय घाटा को बढ़ाना नहीं चाहिए। चलिए कोई नहीं, हर साल मत बढ़ाइए, लेकिन इस साल अगर हम देखें वही 67,000 करोड़ रुपए को अगर मैं मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई दर के साथ ऐड कर लूँ तो कितना होगा,
आज के डेट पे 2017-18 में जो था वो आज के डेट पे जाकर बैठेगा लगभग 77,000 करोड़ रुपए, 77,000 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। उतना अगर माफ कर दे सरकार तो वो भी हमारी जो जीडीपी है, हमारी जीडीपी का 0.4% बैठेगा। एक साल ये हो सकता है कि सरकार अपना जीडीपी का जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, उसको अच्छा खासा बढ़ा ले ताकि इससे जो इकोनॉमी है हमारी, इकोनॉमी का पहिया फिर से चलने लगे। आप देखिए कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 77,000 करोड़ रुपए, इसको थोड़ा तुलना करके देखते हैं। हमारे देश में कुल जो फ्रिज बिकते हैं, 2019 में बिके थे, इस साल शायद कम बिके होंगे क्योंकि लॉकडाउन था, 2019 में कुल जो फ्रिज बिके थे ना, उसका लगभग 3.5 गुना है। 77,000 करोड़ से जितने फ्रिज बिके थे उससे 3.5 गुना बिक सकता है हमारे देश में फ्रिज। अगर मैं वॉशिंग मशीन देख लूं, हाँ, मिडिल क्लास के हाथ से बाहर होता है, अगर वॉशिंग मशीन देख लूं तो 77,000 करोड़ से जितने वॉशिंग मशीन 2019 में बिके थे उसके 7 गुना, उसका 7 गुना बिक सकता है। अगर मैं स्मार्टफोन देख लूं, हमारे देश में 2019 में जितने बिके थे, स्मार्टफोन का भी अगर मैं कंपैरिजन करूं तो लगभग 45% यानी 45% स्मार्टफोन का खर्चा हमारे देश में जितने बिके हैं वो ये 77,000 करोड़ से निकल सकता है। यानी एक साल के लिए ये ऐसे मांग को बढ़ा सकता है जिससे हमारे बहुत सारी जो इंडस्ट्री है उसको फायदा पहुंच सकता है। लोगों के जेब में अगर पैसा जाएगा तो वो थोड़ा सा बचत करेंगे और साथ में मांग भी बढ़ेगा। मांग बढ़ेगा तो क्या होगा, चीजें ज्यादा बिकेंगी, ज्यादा चीजें बिकेंगी तो जीएसटी में फायदा होगा सरकार को, जीएसटी ज्यादा मिलेगा। तो ये जो 77,000 करोड़ सरकार दे रही है उसका थोड़ा बहुत वापस सरकार के पास, कम से कम 20-30,000 करोड़ सरकार के पास वापस आ जाएगा जीएसटी के तौर पे या एक्साइज ड्यूटी के तौर पर वापस आ जाएगा। यानी कुल खर्चा सरकार का कम होगा, 77,000 करोड़ से कम होगा, लगभग आप सोच लीजिए 45,000 करोड़ कुल खर्चा सरकार का होगा अगर वो जितने भी लोग हैं जो 50,000 से आज के डेट पे 50,000 से 1,20,000 के आसपास जिनका इनकम है उनका अगर इनकम टैक्स एक साल के लिए सिर्फ एक साल के लिए माफ कर दे, और इससे इकोनॉमी को फायदा होगा और सरकार के पास भी वापस पैसा आएगा और जो लोग हैं नौकरियां भी बढ़ेगी, बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ एक साल की बात है, राजकोषीय घाटा बढ़ाना है सिर्फ 0.4%। आशा करता हूं कि 1 तारीख को आपको इनमें से बहुत लोगों को कुछ ना कुछ खुशखबरी तो मिलेगी। You